अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो इस बारे में है कि फेसबुक और यूट्यूब पे आप पबजी मोबाइल कैसे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल फ्री। मैं आप लोगों को कुछ सिंपल स्टेप बता रहा हूँ, इससे आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो। आप तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जाना है ऐप स्टोर पर, और यहाँ पर एक एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल करना है, जिसका नाम है स्ट्रीम चैम्प, ये वाला। ये इसको इंस्टॉल कर लेना, मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आप बहुत सी और ऐप्स पे भी लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हो, और हम यहाँ पे सिर्फ यूट्यूब का बताएंगे, क्योंकि इस पे भी फेसबुक का कर सकते हो, लेकिन वो फिर पेड है, आपको पे करना पड़ेगा। और यूट्यूब का जो है ना, वो बिल्कुल फ्री है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। मैंने ख़ुद की है इस पर स्ट्रीमिंग चेक, नेट का इशू होता है इसलिए मैं स्ट्रीमिंग नहीं कर पाता सही से। तो आपने इधर YouTube पे लॉगिन करना, YouTube पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी अकाउंट लॉगिन करना है। लॉगिन होने के बाद ये इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, सही है। ये जो वीडियो पोर्ट्रेट लिखा हुआ है, इस यहाँ पे आप क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हो, इसका साइज़, नीचे बैनर भी लगा सकते हो अपने हिसाब से, जो इजी पैसा वगैरह, जैस कैश, या जो कुछ भी आप वहाँ पर लिखना चाहते हो वो भी लिख सकते हो। इसका बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हो, और ये जो कॉर्नर पे वाटर मार्क है ना, ये आप नहीं हटा सकते क्योंकि ये पैड है, सही है, ये प्रीमियम पीर, उसमें रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो हम आगे जाते हैं वीडियो। ये थ्री डॉट है जो कॉर्नर पे, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप स्ट्रीम नोटिफिकेशन, ठीक है, नीचे रेजोल्यूशन है, आप इसका जो स्ट्रीमिंग है आप अपने मोबाइल के हिसाब से आप कर सकते हो, 480p, 540 और इस तरह 720p पे भी आप कर सकते हो, अगर आपका मोबाइल हाई क्वालिटी है और FPS ज़्यादा दे रहा है, और 180p पे भी आप कर सकते हो, सही है, ये अपने हिसाब से कर लेना है। नीचे बिट रेट जो है ना, वो भी आपने सेलेक्ट करना है अपने हिसाब से, कम ज़्यादा कर सकते हो, सही है। और फ्रेम पर सेकंड जो है ना, आप ये भी अपने मोबाइल के हिसाब से, मेरा जो है ना 60fps सपोर्ट है, तो मैं यहाँ पर 60fps पे कर लूँगा, सही है। इसके बाद नीचे भी बिट रेट है, रिमोट कंट्रोल, इस तरह आप सब कुछ अपने हिसाब से कर सकते हो। तो दोस्तों, सब कुछ रेडी होने के बाद आप जो है ना, यहाँ पर अपनी ऑडियो और माइक जो है उसका वॉइस भी कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इसके बाद सारा कुछ सेट होने के बाद, आप इसके रेजोल्यूशन, इसके FPS सेट करने के बाद आप यहाँ पर डन कर लेंगे, और यहाँ पर स्टार्ट, यहाँ पे क्रिएट ब्रॉडकास्ट पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आप अपने हिसाब से अपना जो है ना टाइटल दे सकते हो, और अपनी डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो, इसमें हैशटैग भी लगा सकते हो, और यहाँ पे प्राइवेसी आप पब्लिक और प्राइवेट कर सकते हो। मेरा यहाँ पे वैसे ही टेस्ट के लिए, तो मैं प्राइवेट पे रखूँगा। यहाँ पर आप अपने स्ट्रीम को डिले भी कर सकते हो, जितने भी आप अपने हिसाब से, 10 सेकेंड, 60 सेकेंड, 20 सेकंड, जितना करना चाहते हो। और इसके अलावा आप यहाँ पर अपने थंबनेल भी लगा सकते हो, ख़ुद अपना बना के यहाँ पे लगा सकते हो थंबनेल, वो जो उधर यूट्यूब पे शो होगा, लोगों के सामने आएगा, लेकिन इसकी साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये फिर नहीं लगेगा। तो आपने सिंपली यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है अपने ब्रॉडकास्ट, तो ये क्रिएटिंग शुरू हो जाएगा। ये दूसरा मोबाइल मैंने रखा हुआ है साथ में, ताकि आप लोगों को लाइव दिखा सकूं कि कैसे करना है। पे स्टार्ट ब्रॉडकास्ट पे क्लिक कर लेना है, और यहाँ पे स्टार्ट, आप अपना माइक भी ऑन ऑफ कर सकते हो, तो स्टार्ट ब्रॉडकास्टिंग कर लेते हैं। दूसरा मोबाइल मैंने इसलिए रखा हुआ है कि इस पे मैं देख सकूं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग, सही है। ये स्टार्ट हो गई है स्ट्रीमिंग, अब आप इस पर आ जाएँ। अपने चैनल पे आ जाना है, जी दोस्तों। तो ये आप देख सकते हैं मैं अपने चैनल से लाइव हूँ, ये देखें, ये देखें जी आप, ये मेरे अपने चैनल से लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है, सही है। ये पबजी भी स्टार्ट होने है, तो ये भी वहाँ पे शो होगा। ये देखिए जी, पबजी यहाँ पे ओपन हो गई है, लेकिन मेरे मोबाइल का जो नेटवर्क है वो बहुत स्लो है, सही है जी दोस्तों। तो ये देखें, आप
लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं। मेरे एक मोबाइल पे पबजी चल रहा है, दूसरे पे लाइव स्ट्रीमिंग चल रही है जी। दोस्तों तो ये था यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीमिंग, और अब मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक पे आप इसी तरह लाइव स्ट्रीमिंग कैसे कर सकते हैं बिल्कुल फ्री। तो इसके लिए आपने ऐप स्टोर पे जाना है। ऐप स्टोर पे जाने के बाद आपने यहाँ पे प्रिज्म सर्च करना है। ये एक एप्लीकेशन है प्रिज्म लाइव स्टूडियो, ये ब्लैक वाला, इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद मेरे पास पहले से इंस्टॉल है, तो आपने ओपन कर लेना है। ओपन के बाद आपने यहाँ पर फेसबुक को लॉगिन कर लेना है। मेरे पास पहले से लॉगिन है, सही है, ये आप देख सकते हैं। मैंने पहले भी इस पे लाइव चलाए हैं फेसबुक पे, तो आप यहाँ पे लाइव चला सकते हैं। तो आपने इस पे भी आप अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हो। स्क्रीन पे आ जाना है, स्क्रीन के बाद आपने इसको रेडी पे कर लेना है। रेडी होने के बाद आप यहाँ पर अपने हिसाब से टाइटल जो है ना वो लगा सकते हो, पिक्चर भी लगा सकते हो, सही है। इस पे थंबनेल नहीं लगा सकते, वो सिर्फ यूट्यूब में होता है। और इस पे यहाँ पर जो है ना पेज यहाँ पे ये जो है ना ये पेज मेरा शो हो रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अगर आपके पास ये प्रोफाइल पे है टाइमलाइन इस पे, तो यहाँ पे आप अपने पेज पे सेलेक्ट कर लेना है, सही है। तो उसके बाद ये जो है ना आप इसका रिज़ल्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो, फ्रेम रेट, FPS और रेजोल्यूशन, ये सब कुछ आप यहाँ पे क्वालिटी के हिसाब से आप सेट कर सकते हो। तो इसके बाद ये सारी सेटिंग होने के बाद आपने गो लाइव पे जाना है। गो लाइव के बाद आप यहाँ पे माइक्रोफोन को भी ऑन ऑफ कर सकते हो। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, सही है। तो ये हमारा ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हो गया है। इसके बाद आपने सिंपली फेसबुक पे जाना है। फेसबुक पे जाने के बाद आपने अपने पेज पे आना है। प्रोफाइल पे आ जाना है और ये देखिए जी लाइव स्ट्रीमिंग फेसबुक पे आ गई है। आप इसके बाद बस पबजी को ओपन कर लेना है सिंपली, और आपकी स्ट्रीमिंग चलती जाएगी। और आप दूसरे मोबाइल या पीसी पे आप अपने कमेंट वगैरह पढ़ सकते हो और रीड कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।